सड़क किनारे अपने गीतों से दर्शकों का मन मोह लेने वाला ये है स्ट्रीट सिंगर राहुल। बाबा नगरी देवघर को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। यहाँ कला प्रेमी और कलाकार की भरमार है। यही कारण है कि बंगाल से स्ट्रीट सिंगर देवघर पहुंच गया, इस उम्मीद में कि शायद भोलेनाथ की कृपा इस पर बरसे की और संगीत के क्षेत्र में इसे एक मुकाम मिल जाएगा, जिससे शौक भी पूरे होंगे और घर की रोजी रोटी भी चलती रहेगी। सड़क किनारे कहीं भी ये स्ट्रीट सिंगर खड़ा हो जाता है और लोगों को अपने गीतों पर झूमने पर मजबूर कर देता है। इस कलाकार का नाम राहुल शेख है, जो कि बंगाल की मुर्शिदाबाद का रहने वाला है, वही बंगाल जहां से रानू मंडल ने सड़क से अपना सफर शुरू किया था और स्टार बन गई थी। लेकिन राहुल की किस्मत रानू मंडल जैसी नहीं है। बंगाल से थक हार कर आखिरकार ये बाबा नगरी देवघर पहुंच गया। कभी बाबा मंदिर तो कभी चौक चौराहों पर खड़े होकर अपने गीतों का प्रदर्शन करता रहता है और इसके मधुर संगीत से लोग भी खूब रोमांचित होते हैं। कुछ लोग शौक से इसे कुछ रुपए भी दे देते हैं। इसके बदले में ये अपना कार्ड दर्शकों को देता है और उनसे आग्रह करता है कि अगर कोई छोटा मोटा संगीत का कार्यक्रम हो तो इन्हें जरूर बुलाएं। राहुल बताते हैं कि सोनी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर जाने की इसकी हैसियत नहीं है, लेकिन एक उम्मीद है कि सड़क पर यूं ही गाते गाते किसी जौहरी की नज़र इस पर पड़ेगी और ये हीरा बनकर सामने आ जाएगा। बंगाल का रहने वाला हूँ तो मैं घूम घूम के इसीलिए करता हूँ कि अगर कोई मुझे बड़ा प्रोग्राम मिल जाए, बड़ा पार्टी वाला काम मिल जाए मुझे, जो प्रोग्राम वाला, इसीलिए मैं घूम घूम के कर रहा हूँ। क्योंकि आजकल मैं स्टेज प्रोग्राम भी करता हूँ, मगर हर कोई, मैं बहुत रिक्वेस्ट किया हूँ बहुत आदमी को, उन लोगों के जो कोई भी पार्टी प्रोग्राम के लिए मुझे बुलाए या कोई स्टेज प्रोग्राम मुझे दें, तो उन लोगों ने नहीं दिया है मुझे। तो इसके लिए मैं सोचा हूँ, अपने मन में सोचा कि चलते हैं कहीं घूम घूम के, अपने दम से मैं पब्लिक के सामने गा के अपने दम से मैं थोड़ा सा खड़ा होना चाहता हूँ। कोई भी, यही मेरा दिल की ख्वाहिश है कि मैं आगे जाना चाहता हूँ बस। क्यों बाबा नगरी क्यों आया? मैं इधर के लोग बहुत अच्छे हैं, जो इधर के मुझे बहुत इज्जत करते हैं और मेरा गाना हमेशा बहुत मन लगा के सुनते हैं, मेरी आवाज़ को सुनते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इधर के लोग जो हैं बहुत अच्छे हैं, इसके लिए मैं आता नहीं कभी नहीं मिला, अब कभी कोई बुलाया भी नहीं मुझे, अगर बुलाएंगे तो ज़रूर जाएंगे। मैं रानू मंडल को तो कोई भी बुला लिया, फिर आपको क्यों नहीं बुलाया? सर मेरे ख्याल से मैं इतना भी अच्छा नहीं गाता हूँ, लेकिन हाँ मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा गाने की। मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छा गा रहा हूँ, लेकिन पब्लिक बताएंगे मुझे कैसा मैं गा रहा हूँ। पब्लिक के भरोसे चल रहे हैं? हाँ, मैं पब्लिक के भरोसे चल रहा हूँ। पब्लिक का प्यार कैसा मिलता है? बहुत अच्छा मिलता है मुझे, पब्लिक बहुत मुझे चाहते हैं। और मैं और एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं ट्रेन में भी गाता हूँ, ट्रेन में भी गाया था, तो कुछ पुलिस लोगों ने मुझे दिक्कत करते हैं, सब कोई नहीं बोलते हैं, कुछ पुलिस लोगों ने बोलते हैं कि यहाँ पर ट्रेन में नहीं गाना गा सकते। तो ट्रेन में भी पब्लिक लोगों को बहुत सपोर्ट मिलता है मुझे, उन लोग बोलते हैं तुम गाओ, मुझे हम लोगों को अच्छा लग रहा है, सफ़र अच्छा कट रहा है। लेकिन कुछ पुलिस लोगों के चलते हम लोगों का रोजी रोटी थोड़ा सा दिक्कत हो जाते हैं। और यहाँ भी कहीं कहीं मोड़ पे भी जाते हैं तो कई कई पुलिस लोग हैं जो मना कर देते हैं, कोई कोई बोलता है नहीं गाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि हम लोग इसी में कमाल है, बस इतने ज़िंदगी चले जाएँ। राहुल देवघर में पिछले एक महीने से ये कार्य कर रहा है। आगामी दिनों में श्रावणी मेले का आयोजन होने वाला है, ऐसे में राहुल को उम्मीद है कि श्रावणी मेले के दौरान ये भक्तों का खूब मनोरंजन करेंगे। देवघर से विजय सिन्हा की रिपोर्ट।